हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश डॉट कॉम। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए MD एवं CEO नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेश गोपीनाथन। तो यहाँ पर बता दें आपको कि IT प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के नाम से इसे जाना जाता है, उसके बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को कंपनी के MD और CEO के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त करने की घोषणा करी है और उनका दूसरा कार्यकाल 21 फरवरी 2022 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक रहेगा। राजेश गोपीनाथन को पहली बार 2017 में TCS के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भेल के बोर्ड में निम्न में से किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उपेंद्र मथारू। तो भेल के बोर्ड में उपेंद्र मथारू ने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वो कार्यकारी निदेशक के रूप में भेल के विद्युत क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख थे। वे थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला से 1984 बैच के मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक और लेखा परीक्षक होने के अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर डिग्री रखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर एक ऑलराउंडर बन गया है? सही जवाब है रविंद्र जडेजा। तो आपको बता दें कि ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से नंबर 1 ऑलराउंडर की कुर्सी हासिल कर ली है। टेस्ट क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज़ के दिग्गज जेसन होल्डर को पीछे छोड़ते हुए रविंद्र जडेजा फिर से नंबर 1 बन गए हैं। वहीं ICC टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को नुकसान हुआ है, जबकि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने लंबी छलांग लगाकर टॉप 5 में जगह बना ली है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार 4थी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो सही जवाब है दिल्ली। तो आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली लगातार 4थे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। यही नहीं, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 भारतीय शहर हैं। 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में लगातार 4थी वर्ष जो है नई दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर और 4था सबसे प्रदूषित शहर इसके रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद बांग्लादेश में ढाका और चाड में एम जमेना, ताजिकिस्तान में दुशांबे और ओमान में मस्कट का स्थान है। अगला सवाल। दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली जल बोर्ड। तो आपको बता दें दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वो ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। साल 2013 में अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राघव चड्ढा के स्थान पर की है। अगला सवाल। भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जयती घोष। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयती घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। घोष यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में प्रोफेसर हैं और वह पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से में जो है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र की अध्यक्ष व अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रह चुकी हैं। तो अब वो सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना था, किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? सही जवाब प्रमोद सावंत। तो 28 मार्च 2022 को दूसरी बार लगातार प्रमोद सावंत ने जो है ये शपथ ली है। 2017 में जब मनोहर पारिकर के नेतृत्व में BJP ने अपनी सरकार बनाई थी तो विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें पारिकर के निधन के बाद मार्च 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए या 4 वर्ष के लिए? जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।